लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरौनी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। अचानक से भगदड़ में दो यात्रियों की मौत हो गई। वहीं नारावा स्टेशन पर हंगामा भी देखने को मिला। आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां के हरौनी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें दो यात्रियों की मौत हो गई और इस बाद वहां पर हंगामा भी देखने को मिला। नाराज लोगों ने स्टेशन पर हंगामा किया जमकर। अनूप चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनूप, जानेंगे पूरा मामला। देखिए, कानपुर से लखनऊ की ओर ट्रेन आ रही थी और ये जो है, पहले तो ट्रेन से रेलवे ने सूचना दी कि प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ट्रेन आ रही है, कानपुर से लखनऊ की ओर जो ट्रेन आती है। बाद में फिर जो है एकदम से जो है सूचना बदल दी और कहा कि जो है ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर चार पर आ रही है। इसी की सूचना के बाद जो है ट्रेन पकड़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई और उसी की चपेट में आने से जो पहले से वहां ट्रेन मौजूद थी उसी में एक प्रदीप कुमार नाम का शख्स है, युवा से उसकी मौत हुई है, जिसकी 23 साल की उम्र बताई जा रही है। पहले सूचना दी गई थी कि दो यात्रियों की मौत हुई है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने जांच के बाद ये साफ कर दिया कि एक ही युवक की मौत हुई है, उसका नाम प्रदीप कुमार है और वो लतीफ नगर का रहने वाला था। इस घटना के बाद हालांकि रेलवे की बड़ी लापरवाही थी, जिसके चलते ही वहां पे सैकड़ों यात्रियों ने हंगामा किया और जो मृतक था उसके मुआवजे की लेकर जो है काफी धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान जो है अभी तक जो है पूरा यातायात का संचालन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लोग मुआवजे की मांग को लेकर अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और समझाने बुझाने का उनका प्रयास किया जा रहा। फिलहाल जो है लोग जो है मुआवजे की मांग को लेकर अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अनूप, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां हरौनी रेलवे स्टेशन पर अचानक भगदड़ मच जाती है और यात्रियों की मौत हो जाती है।